दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है इवान ऑलमाइटी। ये फिल्म 2007 में आई थी। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 5.4 है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है इवान नाम के एक रिपोर्टर से जो हाल ही में इलेक्शन जीत के कांग्रेसमैन बना है। वो अपनी वाइफ और तीन बेटों के साथ अपने नए घर में शिफ्ट होता है, लेकिन उसके बेटे अपना पुराना घर छोड़ के नहीं जाना चाहते। इवान अपने नए घर पहुंचता है। रात को सोते वक्त इवान की वाइफ उससे कहती है कि तुमने गॉड से क्या प्रे किया, तो इवान कहता है कि कुछ नहीं। आधी रात को इवान टीवी देख रहा था, तभी वो अपना इलेक्शन कैंपेन देखता है और वो गॉड से प्रे करता है कि मुझे दुनिया बदलने में मदद करना, और वो सो जाता है। सुबह अलार्म की आवाज़ से इवान उठता है और वो देखता है कि घड़ी में 6:14 हो रहे हैं, लेकिन उसने तो 7 का अलार्म लगाया था। खैर, वो उठता है और ऑफिस के लिए तैयार होता है। जब वो अपने ऑफिस जा रहा होता है तो वो देखता है कि उसके गेट में एक बॉक्स आया है और उसमें कुछ टूल्स हैं। इवान सोचता है कि ये गलती से आ गया होगा। वो उस बॉक्स को छोड़ के ऑफिस पहुंचता है। पहले ही दिन इवान के बॉस ने उसके पास सिटीजन इंटीग्रेशन ऑफ पब्लिक लैंड एक्ट बिल को स्पॉन्सर करने के लिए भेज देता है। इवान उस बिल को लेके अपने घर पहुंचता है। इवान पूरी रात उस बिल को पढ़ता है। अगले दिन उसका अलार्म फिर से 6:14 पे बजता है। जैसे ही उसकी नींद खुलती है वो देखता है एक पार्सल उसके घर में आया है। वो नीचे जाके उन्हें बताता है कि ये मेरा नहीं है, लेकिन वो बिना उसकी बात सुने उस पार्सल को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। इवान घर में वापस आता है तो उसे हर जगह 614 दिखता है। फिर उसे कुछ याद आता है और वो बाइबल खोलता है। उसमें वो देखता है कि जेनेसिस 614 गोफर वुड, तुम्हें एक आर्क बनाना है। वो बाहर उस पार्सल के पास आता है। वहाँ एक आदमी बैठा हुआ होता है। वो इवान के बारे में सब कुछ जानता है। इवान उससे बोलता है कि ये पार्सल तुमने भेजे थे, तो वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम एक आर्क बनाओ। इवान पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बताता है कि मैं गॉड हूँ। इवान उसकी बात को हल्के में लेते हुए वहाँ से चला जाता है। ऑफिस जाते समय गॉड उसकी कार में आके बैठ जाते हैं। इवान उन्हें देखकर घबरा जाता है और वो देखता है कि सभी लोग गॉड जैसे दिख रहे हैं। फिर वो अपने ऑफिस पहुंचता है जहां उसे हर जगह 614 दिखाई और सुनाई दे रहा होता है। फिर इवान अपनी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचता है जहां वो गॉड को देख के बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो वो अपने बॉस को देखता है। उसका बॉस बहुत लालची था और वो इवान को अच्छे घर और ऑफिस का लालच देके अपने बिल को पास करने में साथ देने को कहता है। इवान को देखने एक डॉक्टर आता है। वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि गॉड ही होते हैं। इवान उन्हें देखकर बेहोश हो जाता है। इवान घर में जेनेसिस 6:14 के बारे में पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ईश्वर ने नोआ से कहा है एक भयानक बाढ़ आने वाली है। नोआ अपनी पत्नी और तीनों बच्चों की मदद से आर्क बनाता है। इवान ये देखकर सोचता है कि ये तो पागलपन है। अगले दिन इवान अपनी फैमिली से वीकेंड पे ट्रिप पे चलने को कहता है और वो ऑफिस चला जाता है। रास्ते में उसे बहुत सारे जानवर जोड़े में दिखते हैं। जब वो ऑफिस पहुंचता है तो उसके ऑफिस में बहुत सारे पंछी घुस आते हैं। तभी इवान के बॉस वहां आते हैं। वो इवान से पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। इवान उन्हें समझाता है कि इंसान ने पक्षियों को कंट्रोल किया है और इंसानी शहर को भी कंट्रोल करेंगे। ये सुनकर उसके बॉस खुश हो जाते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। इवान ऑफिस से घर आता है लेकिन हर जगह उसे जानवर ही जानवर दिखते हैं। तभी वहां गॉड आते हैं और उन जानवरों को वहां से जाने को कहते हैं। गॉड इवान को एक खाई दिखाते हैं और उससे बोलते हैं कि मैंने ये खाई बनाई थी ताकि सभी को धूप मिल सके। इवान उनसे पूछता है कि हम कहाँ हैं। गॉड बोलते हैं कि ये तुम्हारा घर है, मैं तो बस इस घर के पहले क्या था वो दिखा रहा हूँ। इवान को अब यकीन आ जाता है कि ये सच में गॉड है। वो गॉड से पूछता है कि आपने मुझे ही क्यों चुना इस काम के लिए। उस पर गॉड कहते हैं क्योंकि तुम दुनिया को बदलना चाहते हो और दुनिया को बदलने के लिए एक ही चीज काम आती है, 1 act of random kindness, यानी नेकी करो, और अगर कोई तुमसे पूछे तो कहना कि बाढ़ आने वाली है। और वो इवान को आर्क बनाने की किताब देके वहां से चले जाते हैं। इवान उस किताब को पढ़ता है। अगले दिन इवान देखता है कि उसकी दाढ़ी आ गई है और वो शेव करता है, लेकिन उसकी दाढ़ी नहीं जाती। नीचे आके वो देखता है कि बगल के 8 उसके नाम हो गए हैं। उसकी वाइफ उसे डांटती है कि तुमने बिना बताए ये प्लॉट क्यों खरीदे, तुम इनका क्या करोगे। इवान उससे कहता है कि मैं एक बोट बनाऊंगा और उसमें सैर करूंगा। वो इवान की बात मान जाती है।
फिर इवान अपने बेटों के साथ बोट बनाने की शुरुआत करता है। अगले दिन वो लंबे बाल और दाढ़ी के साथ ऑफिस पहुंचता है। वहां उसे कोई नहीं पहचानता। फिर इवान उन्हें बताता है कि मैं शेव करता हूं, लेकिन मेरे बाल फिर से आ जाते हैं। वहां उसे बिल पे साइन करने को कहते हैं, लेकिन वो साइन नहीं करता और घर जाने लगता है। तभी उसका बॉस उसे मिलता है और वो उसे लालच दे के बिल को पास करने में उसकी मदद करने को कहता है। इवान उसे हाँ कहकर घर आ जाता है और फिर से बोट बनाने में लग जाता है। वहाँ पे बहुत से जानवर आ जाते हैं। तभी एक दिन उसे नोआ के कपड़े मिलते हैं और एक नोट मिलता है कि तुम इन कपड़ों में अच्छे लगोगे। इवान को उन कपड़ों में देखकर उसकी वाइफ उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। इवान उसे बताता है कि मैं एक आर्क बना रहा हूँ क्योंकि बाढ़ आने वाली है। ये सब गॉड ने मुझे बताया है और ये सब मैं सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। अगले दिन बिल पर मीटिंग थी। इवान उस मीटिंग में पहुँचता है। वहाँ पहुँच के वो देखता है उसके कपड़े बदल चुके हैं और वो नोआ के गेटअप में आ चुका है। तभी वहाँ बहुत सारे जानवर आ जाते हैं। इवान के बॉस को लगता है कि ये सभी ट्रेंड एनिमल हैं और वो इवान से कहता है इन्हें लेकर यहाँ से निकल जाओ। लेकिन इवान उनसे कहता है कि ये ट्रेंड एनिमल नहीं है, ये चाहते हैं कि मैं इनकी रक्षा करूँ आने वाली बाढ़ से। तो वहाँ उसका बॉस उससे पूछता है कि कब आने वाली है बाढ़। वो बताता है कि 22 सितंबर को और ये सब मुझे गॉड ने बताया है। ये सुन के इवान का बॉस उसका नाम बिल से हटवा के उसे बाहर निकलवा देता है। घर आके इवान देखता है कि उसका परिवार घर छोड़ के जा रहा है। इवान उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। अगले दिन इवान आर्क बनाने में लग जाता है। मीडिया में उसका बहुत मजाक बनता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इवान की वाइफ एक रेस्टोरेंट में बैठी है और वेटर के रूप में गॉड आते हैं। गॉड उसे बताते हैं कि नोआ की कहानी कोई गॉड के गुस्से की कहानी नहीं बल्कि परिवार के साथ की कहानी है। गॉड उससे कहते हैं कि सभी जानवर जोड़े में आ रहे हैं। वो गॉड की बात मान जाती है और इवान के पास जाने का फैसला करती है। अगले दिन पूरा परिवार इवान के पास पहुंचता है और आर्क बनाने में उसकी मदद करने लगता है। हम देखते हैं कि आर्क बनाने में जानवर भी इवान की मदद करने लगते हैं और 22 तारीख तक आर्क बनके तैयार हो जाती है। इवान का स्टाफ उसके पास पहुंचता है और उसे बताता है कि उनका बॉस बिल की आड़ में सरकारी जमीन प्राइवेट इन्वेस्टर को बेच रहा है और इसमें नेशनल पार्क भी शामिल है जिससे जानवरों की जगह भी खतरे में है। हमें इस बिल को पास होने से रोकना होगा। इवान उनसे कहता है कि मुझे आर्क में थोड़ा काम करना है और मुझ पर भरोसा रखो। अब हम देखते हैं कि सारी मीडिया वहाँ इकट्ठा हो जाती है। इवान एक लकड़ी उठाता है और सभी जानवर उस आर्क में आ जाते हैं। इवान सबसे कहता है कि बाढ़ आने वाली है, तुम लोग भी आर्क में आ जाओ। कोई उसकी बात नहीं मानता। तभी वहाँ बारिश होने लगती है और सब हैरान हो जाते हैं। लेकिन 2 मिनट बाद बारिश बंद हो जाती है। सभी लोग इवान का मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन तभी लेक पे बना हुआ डैम टूट जाता है और वहाँ बाढ़ आ जाती है। बाढ़ को देख के सभी लोग आर्क में आ जाते हैं। आर्क बहते हुए सीधे पार्लियामेंट में पहुंचती है। वहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इवान अपने बॉस से कहता है कि तुम्हारा बनाया डैम टूट गया और बाढ़ आ गई। अंत में हम देखते हैं कि बिल पास होने से रुक जाता है और पूरे बोर्ड पे जांच बैठती है और इवान को फिर से कांग्रेसमैन बना दिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इवान अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे जाता है। वहाँ उसे गॉड मिलते हैं और इवान से कहते हैं कि तुमने दुनिया बदल दी। इवान कहता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। गॉड उससे पूछते हैं कि दुनिया कैसे बदली जाती है। इवान कहता है कि 1 act of random kindness। गॉड उसे जमीन में उसका शॉर्ट फॉर्म लिखकर दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है आर्क। मूवी का यहीं पे अंत होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम आपके लिए इसी तरह की मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।